फुटबॉल क्रिकेट देखने के शौकीन हैं आप और आलस के कारण स्टेडियम में जाकर नहीं देखते, टीवी मोबाइल पर ही देख लेते हैं। पर सोचिए अगर वही स्टेडियम आपके घर आ जाए तो? इसी तरह घर से दूर रहते हैं तो कभी खाना बनाने की दिक्कत, तो कभी सब्जी मसाले लाने की झंझट। तो अगर ये सब काम आपके लिए आपका कस्टमाइज रोबोट कर दे तो? फैसिनेटिंग सा लग रहा है ना, लेकिन ये सारे ख्वाब आपके जल्द ही पूरे हो सकते हैं। कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। 2019 में भी इन तकनीकों पर लगातार काम हुआ है और अब 2020 में भी इन पर पूरी दुनिया की नजर होगी। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 5 तकनीकों के बारे में बताऊंगी जिनमें हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देने की गुंजाइश है। शुरुआत मिक्स्ड रियलिटी से। आसान शब्दों में कहें तो हमारी दुनिया, मतलब हमारी फिजिकल दुनिया में डिजिटल का मिक्स। एग्जाम्पल के लिए फिरोज शाह कोटला मैदान में मैच चल रहा है, कोहली छक्के पे छक्के उड़ा रहा है और आपको वो मैच फिरोज शाह कोटला में स्टेडियम का फील लेते हुए देखना है। लेकिन अब आप तुरंत वहां जाएं तो जाएं कैसे? यहां होती है मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजी की एंट्री। घर बैठे फिरोज शाह कोटला जैसे डिजिटल एनवायरनमेंट में आप मैच का फील अपने सोफे पर बैठे बैठे ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो तो टीवी पर भी लाइव देखा जा सकता है, लेकिन टीवी कितना भी HD क्यों ना हो, वो आपको स्टेडियम में मौजूद रहने का आभास नहीं कराएगा। मिक्स्ड रियलिटी आपको वर्चुअल दुनिया के जरिए असली दुनिया में होने का आभास कराता है। अब इसे वर्ल्ड फेमस पोकेमॉन गो से भी समझिए, जिसमें GPS और गूगल मैप्स के जरिए पोकेमॉन पकड़ते हैं। पोकेमॉन गेम ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए पॉसिबल हो पाया था। मिक्स्ड रियलिटी उसी का एडवांस वर्जन है। मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। माइक्रोसॉफ्ट का हॉलोलेंस, मैजिक लीप जैसे हेडसेट पहले से ही मार्केट में मौजूद है जिन्हें आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज आर्टिफिशियल चैटबॉट्स हमारी भाषा में बातचीत कर रहे हैं, कल को इसमें मिक्स्ड रियलिटी को मिलाकर और रियल एहसास लाया जा सकता है। एप्पल की सीरी, अमेज़न की एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट, अमेज़न एलेक्सा इसमें सबसे पॉपुलर है। एलेक्सा किसी भी सवाल का जवाब अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर देती है, वो इंटेलिजेंस जो उसमें फीड की गई है। मई 2019 में फिडेविटी इन्वेस्टमेंट्स ने कोरा नाम से एक VR बनाया जो यूजर्स के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर का काम कर रहा है। लेकिन इस रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे क्या एक AI से फाइनेंशियल एडवाइस लेना सेफ है? आने वाले समय में तकनीक को इसका जवाब देना है। इन मोहतरमा को जानते हैं आप? ये है रश्मि, रश्मि रोबोट। ये आपसे बातचीत करती हैं, आपके हर सवाल का फौरन सटीक जवाब देती हैं। अभी तो आप इन्हें सैंपल की तरह देख सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में रश्मि जैसे रोबोट घरों में दिख सकते हैं। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने एक AI एंकर बनाया है जो एकदम असली एंकर की तरह खबर पढ़ सकती है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि ये रोबोट ऑटोमेशन और आपकी नौकरी खा जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक 7.5 करोड़ नौकरियां ऑटोमेशन खा जाएगा। लेकिन जहां दिक्कतें हैं, रास्ते वहीं बनते हैं। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 13 करोड़ नौकरियां भी इसी कारण पैदा होंगी। शर्त ये है कि उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, जरूरी स्किल्स हासिल करनी होंगी। तो नौबत ये भी आ सकती है कि आपके ऑफिस में बॉस के केबिन में एक रोबोट बैठा मिले। चौंके नहीं, ओरेकल ऑफ फ्यूचर वर्कप्लेस की स्टडी के मुताबिक लोग अपने बॉस की जगह रोबोट पर ज्यादा भरोसा करेंगे। ऐसा मानने वालों में भारत और चीन के लोगों की तादाद ज्यादा है। बहरहाल, रोबोट बॉस निकट भविष्य में हो या नहीं, इससे इतना तय है कि इंसानों और रोबोट्स में तालमेल ज्यादा होगा। अब इतनी टेक्नोलॉजी और मशीनों की बात हम कर ही रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? 2020 और आने वाले सालों में इसकी सबसे बड़ी आस है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की फील्ड में भारत और दुनिया के कई बड़े देश पहले से ही काफी काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2020 में इन देशों को इस फील्ड में और कामयाबी मिलेगी और सोलर एनर्जी का एक बड़ा सोर्स बनकर उभरेगा। 2015 में PM नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इनिशिएट किया था और तब से लेकर अब तक कई देश इसमें शामिल हो चुके हैं। भारत का गोल रिन्यूएबल सोर्सेज से 2022 तक 175 गीगावाट बिजली पैदा करने का है, जिसमें से 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से ही होगी। कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने कुछ ऐसा अचीव किया है जो आने वाले सालों में फॉसिल फ्यूल्स की जरूरतों को खत्म कर सकता है। कंपनी ने इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिरर्स से इतनी फोटान, आम भाषा में बताएं तो सनलाइट पैदा करने का तरीका खोज निकाला है जिससे 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की हीट जनरेट हो सकती है। और ये सब हो गया तो एनर्जी हासिल करने के लिए हम पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो बीते जमाने की बात हो जाएगी। अब बात सबसे जरूरी यानी पैसे की, पेमेंट की। अपने आसपास देखिए कितनी चीजें तेजी से बदल रही हैं। ऑटो से लेकर पान की दुकान तक आप पेटीएम जैसे मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं।
कैश और छुट्टी रखने की झंझट आजकल कोई नहीं पालना चाहता। ऐसे में अगले कुछ सालों में इंटरनेट की पहुंच और ऑनलाइन अवेयरनेस गांव-गांव तक पहुंचने के साथ ही देश में इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट लोगों की पहली पसंद बन जाएगा। अब एक छोटे से डेटा से इसे समझिए। आधार इनेबल्ड UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने लोगों के लिए बैंकिंग को और आसान बना दिया है। 2019 की तीसरी तिमाही में 2.9 अरब UPI ट्रांजैक्शंस रही, पिछले साल के मुकाबले 183% ज्यादा है। और हाँ, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को कैसे भूल सकते हैं, ये दोनों या इसी तरह की कुछ नई वर्चुअल करेंसी भी अगले कुछ सालों में काफी हद तक नकद कैश की जगह ले सकती हैं। अब शायद बीमारियों को भी बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। मलेरिया से हर साल दुनिया भर में काफी मौतें होती हैं। कैसा हो अगर मलेरिया की वजह बनने वाले इन मच्छरों को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अब तक तमाम तरह के कीटनाशक इसमें नाकाम रहे हैं। अब कोशिश हो रही है कि इन मच्छरों के जीन में ही कुछ ऐसे बदलाव किए जाएं कि ये पूरी स्पीसीज ही खत्म हो जाए। इतना ही नहीं, इस जेनेटिक एडिटिंग के जरिए डायबिटीज से लेकर थैलेसीमिया तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाने वाली बीमारियों का खात्मा हो सकता है। इंसानों के बोन मैरो में जेनेटिक इंजीनियरिंग करके रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। आंतों में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया की DNA को समझकर डाइजेशन सिस्टम ठीक किया जा सकता है। वजन घटाने की तरकीब निकाली जा सकती है। एक अंदाजा है कि इस जीन एडिटिंग तकनीक से 90% जेनेटिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि इसमें अलग अलग देशों के कानून एक चुनौती भी है। 2020 में कितनी तरक्की होती है, इस पर सभी की नजर रहेगी। अब वीडियो के आखिर में बात नौकरियों की। हमने इस वीडियो में जितनी भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है, उन सब में भर भर कर जॉब्स आने वाली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो पहले से ही गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां अरबों का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। चीन और भारत जैसे देशों में तो इनके बड़े प्लान हैं ही। ऐसे में टेक्नोलॉजी के मजे तो लीजिए ही, साथ ही खुद को अपडेट और तैयार रखिए। करियर की रॉकेट में इन टेक्नोलॉजीज का फ्यूल भरकर अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।